हेलो माय गोइंग कंस्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। दिस इज़ कविता हेयर, योर हिंदी टीचर। वेलकम टू माय वीडियो। आज हमारी इस वीडियो में हम करेंगे व्याकरण से पार्ट 4 संज्ञा। देखो बच्चों, ये है आपकी न्यू बुक, न्यू एडिशन आया है। ये भी नवीन हिंदी व्यवहारिक व्याकरण तथा रचना गोयल ब्रदर्स की है। लुक हियर एवरीवन, ध्यान से देखिए आपकी न्यू बुक। इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर्स किए हैं वो हमने इस बुक से किए हैं। ये भी नवीन की है, गोयल ब्रदर्स की है, बट इसका अब क्या आया है इस बारे न्यू एडिशन मार्केट में है, तो आपने इस बुक में अपना वर्क करना है। ओके, कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो कम और ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है इस बुक में अपना वर्क करना है। क्लियर टू ऑल? ध्यान से देखिए आपकी ये न्यू बुक है। ओके, ये है हमारा पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम, सिंपल इसकी फॉर्म है संज्ञा मतलब नाम। ये नाम किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, पशु पक्षी का, और हमारे मन के भाव। मीन्स इस संसार में जिस किसी का भी नाम है, जो कोई भी है, ऐसा कोई है कि संसार में किसी का नाम ना हो? सभी का एक नाम है, और जिसका भी नाम है तो वो क्या है? संज्ञा। मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 17, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, उसके बाद पशु पक्षियों के नाम, और नेक्स्ट पेज में है हमारे भावों के नाम। तो ये सभी क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, भाव आदि का एक नाम होता है। नाम बताने वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिस किसी का भी नाम है उन्हें क्या कहेंगे हम? संज्ञा। पशु पक्षी यहाँ लिखा हुआ है तो हम अपनी परिभाषा जो लिखेंगे तो उसमें प्राणी लिखेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल सी फॉर्म में यदि हम देखें, संज्ञा मतलब नाम, नाम माने संज्ञा। ठीक है, तो जिस किसी का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा। नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस किसी का भी नाम। क्लियर टू ऑल? तो ये परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद ये अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। लेकिन अभ्यास करने से पहले आपको क्या करना होगा? बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पाठ को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ये अभ्यास खुद से करने की कोशिश करनी है। नहीं आता तब आपने इस वीडियो के थ्रू देखना है और करना है। क्लियर? बट खुद से कोशिश जरूर करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों तथा पशु पक्षियों के नाम मिलजुल गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग खाने में लिखिए। यहाँ पर मिक्स जो है शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, मिक्स शब्द है और नीचे 4 कॉलम्स बने हुए हैं, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, पशु पक्षियों के नाम। तो आपने यहाँ पर जो व्यक्तियों के नाम है यहाँ से देखना, देखिए लड़का, माली, राजा, किसान, पिता, तो ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। उसके बाद वस्तु, तो वस्तुओं के नाम में देखिए बोतल, गेंद, मेज, उसके बाद क्या है? कंघी, देन जुराब। ऐसे ही स्थानों के नाम, मंदिर, पहाड़, सड़क, बगीचा, गांव। किसी भी जगह का नाम, भालू, उसके बाद है पशु पक्षियों के नाम, भालू, बिल्ली, हाथी, कोयल, ऊंट। देखिए आप यहाँ पे व्यक्तियों के आगे भी नाम, वस्तुओं के फिर नाम, स्थानों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, तो नाम मीन्स संज्ञा। तो जिस किसी का भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा। क्लियर टू ऑल? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो संज्ञा शब्द नहीं है, इधर देखिए,
जो संज्ञा शब्द नहीं है उसके आगे गलत का जो है निशान लगाना। ठीक है, यहाँ उदाहरण दे रखा है, पहला चाय पानी जाना गाड़ी। चाय एक नाम है, पानी भी नाम है, गाड़ी भी नाम है, तो क्या नाम नहीं है इसमें? जाना, तो क्रॉस का साइन। कुर्सी घूमना मेज ताला, घूमना पर क्रॉस का साइन। चाकू मंदिर माता काला, काला पर क्रॉस का साइन। जल्दी जहाज बंदर कंप्यूटर, तो जल्दी पे क्रॉस का साइन। जूता पुस्तकालय नीचे गाय, नीचे पे क्रॉस का साइन। सुंदर मोबाइल गेंदा कमरा, तो सुंदर पर क्रॉस का साइन। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचे, यानी जो नाम है उनके नीचे अंडरलाइन करना है, रेखा खींचनी है। लड़का खेलता है, लड़का के नीचे अंडरलाइन। माता जी रसोई घर में है, माता जी के नीचे अंडरलाइन, रसोई घर के नीचे अंडरलाइन। खेत के पास नदी है, खेत के नीचे अंडरलाइन, नदी के नीचे अंडरलाइन। पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ के नीचे अंडरलाइन, फल के नीचे अंडरलाइन। हम पाठशाला जाते हैं, पाठशाला स्कूल, तो पाठशाला के नीचे अंडरलाइन। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, लड़की के नीचे अंडरलाइन, पुस्तक के नीचे अंडरलाइन। मेज पर दवात रखी है, मेज के नीचे अंडरलाइन, दवात के नीचे अंडरलाइन। आम में मिठास है, आम के नीचे अंडरलाइन, मिठास के नीचे अंडरलाइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हर वर्ग के तीन तीन संज्ञा शब्द लिखिए। वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी नहीं है ध्यान दीजिए, पशु और व्यक्ति। कोई भी तीन नाम संज्ञा, कोई भी तीन नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। आपको खुद से आते हैं वो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 17 पे बहुत से नाम दे रखी है, आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं या आप अपने आप से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उचित संज्ञा शब्द छांटकर खाली स्थानों में लिखिए। व्हाइट कलर का बॉक्स है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ शब्द हैं यहाँ पे, किसान, शेर, बहन, घर, बिल्ली, जंगल, माँ, पेड़, बाजार। नीचे जो भी आपको सूटेबल, यानी जो भी लाइन के अकॉर्डिंग आपको खालिस्तान में सही शब्द लगता है आपने वो फिल करना है। क, ममता मेरी बहन है, ममता मेरी बहन है। उसके बाद है डैश म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली। क्या होगा? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। देन डैश खेत में काम करता है, किसान खेत में काम करता है। मैं डैश के साथ बाजार जाती हूँ, मैं माँ के साथ बाजार जाती हूँ। हमारे डैश के सामने आम का पेड़ है, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है। जंगल में शेर दहाड़ता है, ये आपने रीड करनी है और जो ऑप्शन आपको दे रखी है वो क्या करनी है? फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य पढ़िए और सही संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे लाइन दे रखी है, फिलअप्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो उसको फिल करना है। 15 अगस्त 1947 को हमें डैश मिली, गुलामी मिली, गर्मी मिली, आज़ादी मिली, आज़ाद मिली, तो क्या फिल करेंगे हम? आज़ादी मिली। डैश हमारे कपड़े सिलता है, मोची, धोबी, सुनार, दर्जी, तो क्या करेंगे? दर्जी। डैश दिन के समय रोशनी देता है, सूरज, तारा, चांद, बादल, क्या फिल करेंगे? सूरज। हम पढ़ने के लिए डैश जाते हैं, बाजार, पाठशाला, मॉल, मेले, तो क्या फिल करेंगे? पाठशाला। डैश को जंगल का राजा कहते हैं, बंदर, गाय, शेर, हाथी, तो क्या फिल करेंगे? शेर। आकाश में डैश छा गए, क्या छा गए? फूल, हाथी, बादल, पहाड़, आकाश में बादल छा गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टक, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट्स दे रखी हैं। कोष्टक में उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ फिलअप्स दे रखी हैं,
टू ऑप्शन दे रखे हैं, जो सूटेबल वर्ड है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। पेड़ पौधों से डैश छा जाती है, क्या छा जाती है? हरियाली। डैश के पंख बहुत सुंदर होते हैं, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मेज पर डैश रखी है, घड़ी रखी है, मुझे डैश अच्छी लगती है। पिटाई अच्छी लगती है या मिठाई? पिटाई किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और मिठाई सबको अच्छी लगती है। लगती है? मुझे मिठाई अच्छी लगती है। माँ ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी है। क्वेश्चन नंबर 8, जो संज्ञा शब्द नहीं है उनके खानों में हरा रंग भरी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नाम नहीं हैं। तो धोना, जुराब, कक्षा, यदि, सैनिक, लड़ाई। तो इसमें धोना और यदि पे क्रॉस का साइन आएगा। क्रॉस का साइन नहीं लगाना है, मैंने यहाँ क्रॉस का साइन लगाया है। आपने ग्रीन कलर फिल करना है, यहाँ पे हरा रंग भरना है। पत्नी, बोतल, क्यों, दादा, पढ़ना, गांव। क्यों पे ग्रीन कलर फिल करेंगे। पुरानी, डाकिया, सुंदरता, भालू, कुआं, कमीज। तो पुरानी पे ग्रीन कलर फिल करना है। जिराफ, आप, पुल, चार, पुलिस, बेटी। और आपने क्या करना है, आप पे ग्रीन कलर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मटकी में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। मटकी के अंदर मिक्स वर्ड दे रखे हैं, आपने क्या करना है, जो संज्ञा शब्द हैं, जो नाम हैं, उनको लिखना है। वृक्ष, गंदगी, तोता, सुनार, भाई, लड़की, खुशी, थकावट। थकावट क्या है? भाव का नाम। खुशी क्या है? भाव का नाम। जब हम थक जाते हैं या थकावट होती है तो हमारे मन में होता है ना, भाव होते हैं, ओ हो आज तो बहुत थक गए। या कभी कहीं से गिफ्ट मिलता है तो हमें क्या होती है, ये भी हमारे मन का भाव होता है, आज बहुत खुशी हो रही है। तो ये सब क्या है? नाम है। इसके नाम है भाव। क्वेश्चन नंबर 10, संकेतों की सहायता से संज्ञा शब्दों की शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं सीधे। नंबर 1 है, मे की आवाज करती है, कौन करती है? बकरी। भाई को राखी बांधती है, बहन। यह खेती करता है, किसान। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? किताब। पांव में पहनते हैं जुराब, राजा की पत्नी रानी। तो ये है आपका पार्ट 4 संज्ञा। तो आपने इसकी रीडिंग करनी है बच्चे, इसको समझना है। और एक बहुत शॉर्ट फॉर्म, कोई भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, और मन के भाव का नाम में जिसका भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा। नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा क्या है? नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन 10 दे रखे हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, और वही क्वेश्चंस घुमा के दे रखे हैं, मिक्स वर्ड दे रखे हैं, फिलअप्स की फॉर्म में दे रखे हैं, 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बहुत ईजी बुक वर्क है। आई थिंक यदि आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है और आप ये सब खुद से कर लेंगे, मुझे पता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे और ये खुद से कर लेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, समझना है, उसके बाद अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।